साल यानी कि 2022 का चंद्र ग्रहण देव दीपावली के दिन लगने वाला है। बता दें कि एक तरफ जहां इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दीपावली के ठीक एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को लगा था, वहीं साल का अंतिम चंद्र ग्रहण देव दीपावली यानी कि 8 नवंबर को लग रहा है। चंद्र ग्रहण लगने की वजह से ही इस वर्ष एक दिन पहले देव दीपावली मनाई जा रही है, जबकि हर साल देव दीपावली को कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में कुछ हिस्सों में थोड़े समय के लिए दिखाई देगा, जिनमें अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, जयपुर समेत कई स्थान शामिल हैं। वहीं भारत के अलावा भी ये कई स्थानों पर दिखाई देगा, जिनमें यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, अटलांटिक, हिंद महासागर सहित कई देश शामिल हैं। वे सभी स्थान जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे उन सभी स्थानों पर सूतक काल भी माना जाएगा। बताते चले कि ज्योतिषियों के कहे अनुसार चंद्र ग्रहण के लगने का समय भारतीय समय के अनुसार 2:41 से शुरू हो जाएगा, जो शाम 6:20 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के नियमों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 8 नवंबर को सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और न ही भगवान की मूर्तियों को छूना चाहिए। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सूतक काल के आरंभ होने के बाद तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए और न ही उसके पत्ते को तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि अगर ग्रहण के दौरान भोजन में तुलसी के पत्तों को डाल दिया जाए तो उस भोजन पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। बता दें कि ग्रहण के बाद ही लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खुद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बताते चले कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान काटने, छिलने और सिलने की मनाही रहती है। साथ ही इस समय ना तो वो घर से बाहर निकल सकती है और ना ही सो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण देखने की भी सख्त मनाही होती है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहण काल के दिन जरूरतमंदों और गरीब लोगों को दान देना चाहिए। ये दान लोग अपने पितरों के नाम से भी कर सकते हैं। ग्रहण के खत्म होने के बाद अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। वही वैसे ही लोग जो चाहते हैं कि उन पर ग्रहण का कोई कुप्रभाव न पड़े तो वे ग्रहण के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।